हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर, शिमला में एक और बड़ा भूस्खलन, कृष्णानगर में स्लॉटर हाउस समेत कई इमारतें जमींदोज। पंद्रह अगस्त को हुए भूस्खलन की लाइव तस्वीरें सामने आई, मलबे में दबे कई लोग। शिमला में तबाही के बाद फौरन प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चलाया गया ये अभियान। कल हुए भूस्खलन से लोगों में डर का माहौल है, पहले खाली करवाए जा चुके थे वहां के तमाम मकान। शिमला के दूसरे हिस्से में भी दिखाई दिया कुदरत का कहर, इमारत ढहने से हड़कंप मचा। हिमाचल में दो दिनों में भूस्खलन की तबाही से मचा हाहाकार, राहत बचाव के काम में जुटे एसडीआरएफ के जवान। कांगड़ा में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 25 लोगों को निकाला, राहत बचाव में जुटे एनडीआरएफ की 14 टीमें। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा पोंग डैम के पास से अब तक किया गया 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण टूटा द्वितीय केदार, मदमहेश्वर को जाने वाला पुल, सैकड़ों यात्री फंसे। ऋषिकेश में भारी बारिश से नाले में उफान, पानी के तेज बहाव में बहे मां और बेटे, सर्च ऑपरेशन जारी। कांगड़ा में बच्चे समेत एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाके से 65 लोगों का रेस्क्यू किया, भारी बारिश के बीच में राहत बचाव का काम जारी। कांगड़ा के अर्नी यूनिवर्सिटी में भरा बाढ़ का पानी, पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंभीर हालात। कांगड़ा में गाय को बचाने के चक्कर में बिगड़ा बस का संतुलन, पलटी 25 लोगों से भरी बस। दिल्ली में फिर से बढ़ा यमुना का जलस्तर, पानी के बढ़ने के कारण खतरे के निशान के पार हुई यमुना नदी। सुबह 5 बजे यमुना का पानी 205.43 मीटर के स्तर पर, किनारे बसे इलाकों में फिर से भर रहा पानी। बिजनौर में डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गांव में आई बाढ़, स्कूलों अस्पतालों में पानी भरा। चमोली में भारी बारिश के चलते ढहा क्रशर प्लांट, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान, लोग पैदल चलने को मजबूर हुए। उधम सिंह नगर में बारिश की तबाही का मंजर, कैमरे में लाइव कैद, ढेला नदी में दो मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढहा। बिलासपुर के भाखड़ा डैम में अब पानी खतरे के निशान से मात्र 2 फीट नीचे गया, डैम के फ्लड गेट लगभग 4 फुट तक खोले गए। हरिद्वार में गंगा का विकराल रूप देखने को मिला, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा, सैलाब के बीच में एसडीआरएफ ने 100 लोगों से ज्यादा का रेस्क्यू किया। हरिद्वार में फ्लैश फ्लड आने से बैरागी कैंप में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई भारी क्षति, बहा साजो सामान। अयोध्या में खतरे के निशान के पार बह रहा सरयू नदी का पानी, आम लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भूस्खलन से शिमला में कालका शिमला रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त, बचाव अभियान जारी है। शिमला में अगले 48 घंटे भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।